देखो आज के लेक्चर में हम लोगों को क्या जानना है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के बारे में। एडिशन रिएक्शन जो है वो तीन तरीकों से होता था ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएजेंट दैट विल अटैक फर्स्ट अपॉन द सब्सट्रेट। वो क्या क्या, सबसे पहला जो था वो था तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरा जो था दैट वन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एंड द थर्ड वन जो कि हम लोगों को आज पढ़ना है वो है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले जान लो कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्कीन। दीज आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ सम ऑर्गेनिक परोक्साइड। यदि ऑर्गेनिक परोक्साइड वगैरह रहेगा तो उसके मौजूदगी में अल्कीन ऐसा रिएक्शन देता है। मतलब तुमसे पूछा जाएगा कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड देता है, तो अल्कीन ही देता था। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी याद होगा कि अल्कीन ही देता था, लेकिन क्या अंतर होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में, वही हम लोग यहाँ पर देखें। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर एक जनरलाइज रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे कि ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज अल्कीन। इसमें हम लोगों को HBr जोड़ना है, किस चीज के मौजूदगी में, R डबल ओ आर और सनलाइट के मौजूदगी में, ऑर्गेनिक परोक्साइड और सनलाइट के मौजूदगी में। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनकर निकलता है वो ये है CH3CH2Br, ये तुम्हारा एडिशन प्रोडक्ट है। HBr तुम्हारा यहाँ पर ऐड भी हो गया, नहीं HBr कुछ इस तरह से ऐड भी हो गया इस अल्कीन में। तो हम लोगों को देखना क्या है, हम लोगों को देखना है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के मैकेनिज्म को। ठीक है ना, कौन सा मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इसमें होता क्या है तो स्टेप वाइज हम लोग देखते हैं, तुम लोग ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। स्टेप वन में क्या होता है कि ऑर्गेनिक परोक्साइड जो है आर ओ ओ आर सनलाइट के मौजूदगी में होमोलाइटिकली कुछ इस तरह से टूटता है। होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन को हाफ कर्व एरो से हम लोग दर्शाते हैं। होमोलाइटिकली कुछ इस तरह से टूटता है जिससे ट्वाइस ऑफ आर ओ रेडिकल जो है ये बन। अब ये ट्वाइस ऑफ आर ओ रेडिकल जो है ये एच बी आर के साथ जो कि रिएजेंट है उसके साथ तुम्हारा काम करता है, किस तरह से एच बी आर टूटा। और चूंकि ऑक्सीजन का, आर ओ रेडिकल के ऑक्सीजन का एफिनिटी हाइड्रोजन के साथ ज्यादा है, तो वो आर ओ जो है हाइड्रोजन को अपने साथ रख लिया और बच किया गया बी आर रेडिकल। और यही बी आर रेडिकल जो है ये तुम्हारा किस तरह से काम करता है बच्चों, रिएजेंट की तरह। स्टेप टू में क्या होगा, स्टेप टू में तुम लोग अगर ध्यान से देखो तो स्टेप टू में यही रिएजेंट इस सब्सट्रेट पर अटैक करेगा। सब्सट्रेट क्या था अपना, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यही ना अल्कीन था सब्सट्रेट। यहाँ पर इस सब्सट्रेट पर ये बी आर रेडिकल जो है वो अटैक करेगा। बी आर रेडिकल अटैक करेगा कैसे, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, आधा इधर टूटा आधा इधर टूटा, समझ रहे, आधा आधा इधर टूटा और क्या बन गया, CH3CH CH2। तुम इमेजिन करना, देखो प्लस माइनस वाला था ना इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसमें एक सहूलियत ये था कि पॉजिटिव वाला हिस्सा निगेटिव पर चला दिए और निगेटिव वाला हिस्सा पॉजिटिव पर पहुंचा दिए। लेकिन यहाँ तुम इमेजिन करो दो रेडिकल बना, नहीं कि डबल बॉन्ड जो टूटेगा, डबल बॉन्ड के टूटने के बाद दो रेडिकल बना, बी आर रेडिकल इस पर भी जुड़ सकता है, बी आर रेडिकल इस पर भी जुड़ सकता है, किस पर जुड़ेगा। तुम सोच कर देखो कि बी आर रेडिकल अगर लेफ्ट वाले पर जुड़े तो क्या बनेगा, CH3CH, यहां पर बी आर जोड़ दिए तो बताओ तो ये वाला रेडिकल बनेगा इंटरमीडिएट के रूप में। या फिर अगर बी आर रेडिकल राइट वाले पर जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, CH3CH CH2Br रेडिकल। ये दिस इज 1 डिग्री फ्री रेडिकल एंड दिस इज 2 डिग्री फ्री रेडिकल, तो विच वन इज मोर स्टेबल। तो चूंकि 2 डिग्री फोर फ्री रेडिकल जो है ये मोर स्टेबल होता है, तो ये वाला प्रोडक्ट तुम्हारा इंटरमीडिएट बनेगा बजाय कि लेफ्ट हैंड साइड वाला। समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कौन सा वाला बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला नहीं बनेगा, यहाँ पर राइट हैंड साइड वाला बनेगा। मतलब इस CH2 पर जाकर ब्रोमीन रेडिकल जुड़ेगा जिससे कि रेडिकल यहाँ बनेगा और दिस इज 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री नहीं भी लिखते तो चलेगा, और यही तुम्हारा यहाँ पर इंटरमीडिएट की तरह काम करता जो कि तुम लोगों को यहाँ पर नजर भी आ रहा है ना। अब स्टेप थ्री में क्या होगा, स्टेप थ्री जो होगा उसमें क्या होगा कि ये जो इंटरमीडिएट के रूप में तुमको CH3CH रेडिकल और CH2Br ये तुमको दिख रहा है ना, यहाँ इंटरमीडिएट के रूप में CH3CH रेडिकल CH2Br और प्लस यहाँ पर इस चीज से तुमको क्या चीज जुड़ेगा, CH3CH रेडिकल CH2Br
और यहाँ पर क्या चीज का जुड़ना होगा, तुम्हारा एच बी आर फर्दर आएगा एक दूसरा मॉलिक्यूल, और एच बी आर का हाइड्रोजन, यहाँ होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन हुआ और एच बी आर का हाइड्रोजन अब कार्बन, दरअसल इस कार्बन पर ना समथिंग जुड़ना था, यहाँ पर भी वही कंफ्यूजन है, एच जोड़े कि बी आर जोड़े, तो तुमको बता दें कार्बन का एफिनिटी हाइड्रोजन के साथ बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पर कार्बन अपने साथ हाइड्रोजन रखेगा तो सी एच थ्री सी एच टू हो जाएगा, और बाकी इस सी एच टू पर बी आर तो था ही, और साथ में ये बी आर रेडिकल बन जाएगा और ये आगे रिएक्शन को प्रोसीड करवाएगा, और अपना प्रोडक्ट तो यहाँ पर बन ही गया, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोडक्ट। ओके, तो ये है तुम्हारा मैकेनिज्म फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का। इसको मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। रिएक्शन हम एक ले लिए ऐसा कि जिसमें एक अल्कीन है वो एच बी आर के साथ ऑर्गेनिक परोक्साइड के मौजूदगी में ये प्रोडक्ट देता है। क्यों ऐसा प्रोडक्ट देता है, इसमें कौन कौन सा स्टेप होता है, तो सबसे पहले ये जो ऑर्गेनिक परोक्साइड तुमको नजर आ रहा है सनलाइट में होमोलाइटिकली इस तरह से टूट जाएगा आरओ रेडिकल में, आरओ रेडिकल अब एच बी आर को इंड्यूस करेगा होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन के लिए, लेकिन कंफ्यूजन होता है कि आरओ रेडिकल के साथ एच जाएगा कि बी आर जाएगा, तो चूंकि ऑक्सीजन का एफिनिटी हाइड्रोजन के साथ ज्यादा होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो वो ब्रोमीन इलेक्ट्रोनिगेटिव को तो नहीं ना लेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव हाइड्रोजन को लेगा, तो आरओ रेडिकल पर चला जाएगा एच, तो बन गया आरओ एच और बच गया जाएगा बी आर रेडिकल, और यही बी आर रेडिकल इस अल्कीन पर जाकर अटैक करेगा, तो ये जो अल्कीन है उस पर बी आर रेडिकल एज ए रिएजेंट अटैक किया, तो अल्कीन का डबल बॉन्ड टूटा आधा और आधा, और इस बी आर, ये बी आर रेडिकल चले गया क्या चीज पर, बताओ, ये बी आर रेडिकल इस कार्बन पर गया। क्यों गया तुम बताए ही, क्योंकि बी आर रेडिकल को अगर तुम राइट हैंड साइड वाले कार्बन पर यहाँ पर जोड़े हो तो ये अपना 2 डिग्री रेडिकल बना, अगर तुम बी आर रेडिकल को इस जगह पर जोड़ते तो रेडिकल यहाँ बनता जो कि 1 डिग्री होता, दैट इज कंपेरेटिवली अनस्टेबल, इस वजह से हम लोग ऐसा वाला इंटरमीडिएट बनाए। अब जो ये इंटरमीडिएट बन गया, ये सी एच रेडिकल यहाँ तुमको दिख भी रहा है, तो इस सी एच रेडिकल दोबारा दूसरे एच बी आर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अपने साथ रखता है। यहाँ पर भी सवाल आता है कि सर हाइड्रोजन ही क्यों लिया, बी आर रेडिकल भी ले सकता था, तो यहाँ भी वही जवाब है कि कार्बन की एफिनिटी हाइड्रोजन के साथ ज्यादा होता है, इसलिए ये जो कार्बन यहाँ पर दिख रहा है ये हाइड्रोजन को अपने साथ लेगा, यहाँ सी एच से सी एच टू हो गया और बाकी बी आर रेडिकल बच गया जो कि फर्दर रिएक्शन को टर्मिनेट करता है। यही बी आर रेडिकल फिर दूसरे स्टेप में गया, यहाँ जो दूसरा स्टेप दिख रहा है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, फिर एक बी आर रेडिकल बनेगा, फिर ये तीसरे स्टेप में, और ये रिएक्शन तब तक चलते रहेगा जब तक कि रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए, समझे बात को। तो इतना आसान है ये वाला रिएक्शन, बहुत भारी भरकम है नहीं। इसी का एक दो रिएक्शन यहाँ पर लिख रहे हैं हम, कि जैसे कि तुमको दिखा, सॉरी, ये है सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस एच बी आर, याद रखना एच बी आर की जगह यहाँ पर एस सी एल नहीं ले सकते, क्योंकि एच बी आर होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन दे सकता है बिकॉज हाइड्रोजन और ब्रोमीन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में बहुत खास अंतर नहीं होता है, लेकिन एस सी एल में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस इतना ज्यादा हो जाता है कि एस सी एल के केस में होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड एच बी आर के साथ ऑर्गेनिक परोक्साइड में जैसे जोड़ोगे सनलाइट में, तो तुमको जैसे बताएं कि यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा, सी एच टू सी एच टू बी आर। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए ही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल दिया जाता है, समझे, एंटी मार्कोनिकॉफ, जो कि हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के दौरान मार्कोनिकॉफ रूल के साथ साथ पढ़ लिए थे, वही चीज यहाँ पर भी है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जिसको कि हम लोग क्रैश परोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, क्रैश परोक्साइड इफेक्ट। ओके, इसी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को ही हम लोग क्रैश परोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में होता है कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल एडेड टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल एडेड टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच हैव कंपैरेटिवली ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो तुम लोग यहाँ पर देखो, जैसे ये था सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, इसमें हम लोग एच बी आर को जोड़े, कैसे जानेंगे कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, जैसे तुमको यहाँ आर डबल ओ आर और सनलाइट और ऊपर दिख गया तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तहत होगा, ये चीज हम लोग सीख लेंगे जान लेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि सामान्य तौर पर ये एच प्लस इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट है और बी आर माइनस इलेक्ट्रोनिगेटिव पार्ट है, तो ये क्या बोलता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, कि यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर कम हाइड्रोजन और निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होगा, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में यही कुछ होता है, इसलिए यहाँ सी एस टू और यहाँ सी एस टू पर बी आर। सिमिलरली
यहाँ जो तुमको ये नजर आ रहा है, इसको अगर हम लोग ट्रीट करेंगे किस चीज के साथ, एच बी आर के साथ, R00R और सनलाइट के मौजूदगी में, तुम बताओ एच प्लस कहाँ जाएगा, वहां जाएगा जहां पर कम हाइड्रोजन, और बी आर माइनस कहाँ जाएगा, ज्यादा हाइड्रोजन। कैसे तुमको पता चला? हमको पता चला कि लाइन स्ट्रक्चर में यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, तो जहाँ कम हाइड्रोजन है वहाँ एच, यहाँ एच दिखाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर हम लोग सिर्फ बी आर दिखा देते हैं, ठीक है। और ये देखो कि जैसे ये तुम्हारा मान लो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म दे, और इसमें एच बी आर हम लोगों को जोड़ना हो R00R और सनलाइट में, तो तुम बताओ तो किसको कहाँ जोड़ोगे? इस जगह पर बच्चों एक हाइड्रोजन है, और इस सॉरी जीरो हाइड्रोजन है, इस जगह पर बच्चों एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, जीरो। तो जहां पर कम हाइड्रोजन है वहां पर हाइड्रोजन जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन, और बी आर कहाँ जाएगा, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है। एकदम आसान है बच्चों, इन सारे रिएक्शंस को दोबारा तुम लोग करना। इस जगह पर हाइड्रोजन चला गया तो उसको दिखाने की जरूरत है नहीं, यहाँ पर ब्रोमीन चला जाएगा। लेकिन यही रिएक्शन, यही एच बी आर अगर हमको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से जोड़ना होता तो यहाँ पर मार्कोनी का प्रूफ लगाते हैं, और क्या प्रोडक्ट बनता, वो प्रोडक्ट बनता ये, ठीक है ना, इससे विपरीत है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला इस चीज के बारे में अगर तुम नहीं जान रहे हो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, उस वीडियो को जरूर से देखो, ठीक है। आज के क्लास में बच्चों इतने ही रहने देते हैं, कल जो है हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ मूव कर जाएंगे, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, कितने तरह का होता है, उन चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, चलो रहने दो, बाय।